जय हिंद दोस्तों, ये चन्ना डेयरी हैबोवाल लुधियाना पंजाब में है। रमेश जी बहुत पुराना काम अपने बेटे के साथ करते हैं, रोहित बढ़िया लड़के हैं और बड़ा वास्ता है जो पशुपालक इनके पास आए हैं, पुराना वास्ता है और सौ सौ पशु ले जा चुके हैं। आज फिर देखिए, और उससे पहले फिर आपको बता दें कि जैसे कहते हैं गुरु के बिना गति नहीं, तो ज्ञान के बिना काम नहीं चल सकता। आपको किसी भी काम को करना उसमें ज्ञान होना चाहिए। डेयरी का काम करते हैं तो पूरा ज्ञान होगा तो आप सफल होंगे, कहीं धोखा नहीं खाएंगे। आपकी सफलता के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए हमने किताब छापी है और किताब को पढ़ना, उसमें आपको पशुओं के संबंध में हर तरह की बीमारी का इलाज बताया गया है। मंगवाओगे तो खर्च लगेगा, जब आओगे जैसे ये सज्जन आए हुए हैं इनको फ्री देंगे और हमें 250 की पड़ती है लेकिन उनको 300, लेकिन जो मंगाएंगे उनको खर्चा। लेकिन पढ़ने वाली चीज़ है, उससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और पशुओं का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रख रखाव है, आपके कंट्रोल में है। नमस्कार, क्या नाम आपका? विजय मिश्रा। विजय मिश्रा। मिश्रा पहली बार आए? दूसरी बार। पहले कितनी ले गए थे? पहले एक गाड़ी ले गए थे। कितने? दस? दस ले गए। कब? एक साल पहले। अच्छा, कैसा रहा रिजल्ट? बढ़िया रहा। यकीन वाले आदमी है? हाँ, बढ़िया आदमी। ज्यादा तो नहीं काटते? नहीं, काटते हैं नहीं, बढ़िया आदमी। आप कितना पढ़े हैं? मैं तो एमए किया हूँ। किस सब्जेक्ट से? मेडिकल हिस्ट्री से। बनारस से? बनारस। बीएससी हो? नहीं, विद्यापीठ। अच्छा, काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ। मेरी कानपुर की शिक्षा। तो किस सन में किया है? मैं आपने पुणे में जो है 96 में। 96 में किया मैंने 79 में किया। तो रेगुलर थे क्या? रेगुलर। तो खेती होती भी है? कितनी है खेती? लगभग 15 बीघे जमीन है। 15 बीघे है। चारा बोते हैं? हाँ। पशु कितने हैं? पशु कितने? 12-15 हैं। कितना होता है दूध? लगभग हो जाता है 1.5-2 क्विंटल। दोनों में जाता है? हाँ। अच्छा रेट मिलता है? हाँ। कमाई है इस काम में? बढ़िया कमाई। खेती से ज़्यादा है? हाँ, खेती बढ़िया कमाई है। खेती से अच्छी कमाई, मतलब कि हाथ नहीं फैलाना पड़ता किसी के आगे। ये बुढ़ी गाय दी थी? बुढ़ी नहीं है ये, दूसरे बेहतर में है। ये तो ये बैठकदार गाय है, ऊंची लात वाली नहीं है, बैठकदार गाय है, थोड़ा पेट बड़ा है इसका। दूजे सुए है, कोई बुढ़ी नहीं है, 6 दांत है, 6 दांत ली है, देख के ली है। कोई कितना दूध देगी? ये पहले ब्यांत में तो उसने बोला जी 25-28 लीटर दूध दिया मालिक ने। हमने दूसरे इतने ही मान के लिए जी। लोग तो बोलते हैं, जिससे लो ना किसान से, वो बोलते ही बोलते हैं, अपन उस पहले बेहतर जितना दिया होता ना उतने ही मान के लेते हैं दूसरे बेहतर वाले को। ये पशुपालक तो पूरे जानकार है, इनकी नजर धोखा नहीं खा सकती? नहीं खा सकती, नहीं खा सकती, नहीं खा सकती। ये 25 का अंदाजा लगाते हैं? 25 हम अंदाजा लगा। क्या दाम लगाए थे? ये 90,000 के लिए। 90,000? तो महंगी नहीं? थोड़ी महंगी है, 2-4 हजार रुपए। अच्छा, महंगी तो ये महंगी कैसे होगी? वो एक गाय और साथ में ली है उसके। अच्छा, तो वो थोड़ी भाव में मिल गई साथ में, वो दूसरी वाली भी दिखाते हैं। गाय तो बढ़िया ही है। दाम? 85 है। ये इसका 90 की चाहिए, 90 में चाहिए था। इसका दाम चाहिए था, मिल जाना है कोई किसान। ये जोटे वाली है जी, उसके साथ वाली। उसके साथ कितना दूध देगी ये? पहले बेहतर में 4 दांत है, पहले बेहतर में बेहनी है जी। पहली बार भी आएगी? 4 दांत है मुँह से। कितना दे देगी? मान के चलो 25-30 लीटर देगी। नस्ल वाली गाय 25 लीटर देगी। फिर तो 85 में ठीक। अभी ग्राहक भी थोड़ा कम है ना। कितना समय बाकी है? कितना समय बाकी है? अभी 15 दिन बाकी। 15 दिन बाकी, ऐसे पूरा कर दीजिए एक सीजन में। 4-5 महीने लगता है बस। ए, तो इनको अभी अब कितना खर्चा हो गया 22 पे? कुल कितना पैसे लग गए सबके मिला के? मिश्रा जी के भी आपके भी? 17-18 लाख।
सब अपने ही बैंक से लिए, बहुत पैसे हैं तो यही तो यही देती है। कितना भारी है वो बक्सा लोहे वाला जिसमें पैसे? भारी नहीं है, हो जाता है, थोड़ा भाई भी है ना सब संभाल लेता है। कितने भाई हैं आपके? हम लोग दो तीन भाई हैं। तीनों ये काम करते हैं? तो कितने जमा हो गए पैसे? बैंक में रखते हो बक्से में रखते हैं? नहीं सर, पैसा जमा नहीं होता है। हमको बक्सा दिखा दोगे? इस लाइन में काम ही काम होता है। हमको बक्सा दिखा दोगे पैसे वाला? बक्सा कोई नहीं, तिजोरी है। नहीं ऐसे काम हो रहा है। वैसे हो गया 50 लाख? ज्यादा जमीन बहुत है पंडित जी के पास। कितनी जमीन? तो कितनी बताया? 60 बीघा जमीन। 60 बीघा है? सब जेजी से बनाई है? बहुत मेहनती खेती आप करते हैं? भाई पढ़े लिखे हैं? सुन लो पंडित जी हैं, हम तो समझे रखे पढ़ाई करते होंगे इसीलिए मोटे हैं। हाँ जी, तो क्या कहती है? ये पहले ब्याह में, अभी तो खीरी है जी बिल्कुल ही। क्या काम है? एक महीना इसको अभी ब्याने में रहता है जी। एक महीना? हाँ जी। पंडित दूध कितना होगा? पहली है। कितना होगा? 2 लीटर पहले दे देगी। कितना दाम बताया? 75। 75 हजार तो दाम भी जाएगा। पंडित वो तो श्राद्ध में खरीदते नहीं आप कैसे आगे सोचे? घर पे तो नवरात्र में जाएंगे। अच्छा, घर में नवरात्र में वो श्राद्ध खाने जाते हैं? अभी नहीं जाते। आप खिलाते हैं? हाँ श्राद्ध खिला देते हैं। खिलाते हैं, जाने जाते नहीं खाने? कहते पंडित तो छोड़ते नहीं श्राद्ध। नहीं, वो दूसरे पंडित होते हैं ना, महापात्र वाले पंडित। महापात्र वाले पंडित संस्कृत विद्या जन्म प्राप्त किए थे? नहीं नहीं, जो महापात्र कम कांड मतलब मर्जी में और हाँ जो पूजा पाठ में जाते। ब्लैक कलर में पूरी है, चमक वाली पतली चमड़ी वाली और दूध वाली गाय। थन देखो कैसा लगा, बढ़िया। जितना दूध है इसके अंदर उतना वजन है? वजन भी है, इतना ही बच्चा देगी ये, ऐसी रहेगी। कब तक बच्चा देना इसमें? तैयारी में है। बड़ा जबरदस्त आ गया है। क्या निकालना ही पड़ेगा दूध जाने से पहले? नहीं, तंग नहीं होगी तो परेशान होगी फिर? गाड़ी भी जाएगी तो थोड़ा रस होकर हिल डुल कर ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर ज्यादा ऑटो तंग भी करता है ना। नहीं बच्चा दे देगी। अच्छा, घर पर पहुँचा पहुँचा बच्चा तो 3-4 दिन में भी आ जाएगी, तो संभाल लोगे बीच में भी आ गई तो? हाँ जानकारी है, पूरी ठीक कर लेते हैं। तो क्या दाम लगाया इसका? 72 हजार। दूध कितना होगा? 25 है थोड़ी क्रॉस में, थोड़ी क्रॉस में अच्छी है, 25 से। तो पंडित जैसे वहाँ पर जेल जैसे नहीं पड़ती है तो फिर क्या करते हो आप? टैंट आने देते हैं और थोड़ा नीम का पत्ती पी और बांस का पत्ती पी खिलाते, नहीं गिरता है दिन निकलवाते हैं तो बैठे थे। वैसे निकल जाता है? वहाँ से निकल ही जाता है। महीने में एक दो आ जाती हैं ऐसी, इनका नहीं निकलता कभी कभी आ जाता कभी कभी। तो फिर वो क्या नीम की पत्ती उत्ती देते हैं? हाँ डॉक्टर से फिर निकलवा देते हैं। अच्छा, वो गोली रख देता है। चलो ये गाय भी दूध वाली है, क्या दाम लगाया इसका? 82 हजार। ये आपने लिए? नहीं भाई साहब। तो आपको कितना कमीशन दिया फिर इसमें जो भाई साहब को दे रहा है? साथ हमारे संबंध में है तो रिश्ते वाले हैं। मेरा तो रिश्तेदारों को तो काटा जाता है। नहीं नहीं, रिश्ते वाले भाई हैं। अच्छा, तो कितना दे देगी दूध? वो तो 25 से 28 दे सकती, 30 लीटर भी दे सकती, बहुत अच्छी गाय है। इनके पास जब आए थे कैसे आ गए थे फिर? किसने बताया? आपका यूट्यूब का वीडियो देख के आए थे। तो इनसे पहले कहीं और नहीं गए? कहीं गए थे, एक बार गए थे यहाँ आने के 1 साल पहले कहीं गए थे। हाँ, वहाँ गए तो थोड़ा नहीं जमा अपना, जब ही गाय दे रहे थे नहीं स्कूल में पहले तब गाय दिलवाएंगे। हाँ, तो हमारा मन नहीं जमा, हम चले आए, फिर आपका वीडियो देखे, भाई साहब देखे। हाँ, तो कुछ समझ में अच्छा आया। हाँ, बार फोन से बात किए। हाँ, तो आए यहाँ पर अपनी पर्सनल गाड़ी से, तब डरते डरते अपनी पर्सनल गाड़ी से आए थे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर गाय लिए, उसके बाद तो आराम से ट्रेन से आते हैं, भाई लेता है, होटल रखता है, खिलाता पिलाता है, सब कुछ करता है और घूम के पूरा गाय दिलवाता है, कोई खर्च नहीं ऊपर से, 2000 गाय पीछे। जब अब की बार किताब छापेंगे तो आपके मार्फत हम लोगों को जानकारी देंगे, तो आगे लोगों को आपको फ्री देंगे, आप भी फ्री देंगे। हाँ, लोगों को ज्ञान मिले। ये पंडित चार कर रही है। हाँ, करेक्टर है, कान ठीक है, ऑर्डर गोल है, पीठ सही है और लेग्स को हाइट कम है, पहले पहले में ऊंची होगी खाकर।
कितना दूध दे देगी? ये भी 25 है। दाम? दाम ये 82 है। इसको 20 सस्ती कैसे मिल गई? हमने कुछ दाल में काला लगता है यहाँ पे, दाल जो आप लेते हैं वो सस्ती है, उनको महंगी कर देते। नहीं नहीं, हाँ आप कहते हो कि आपको इसने महंगी दी है। भाई साहब को तकदीर है, अब इनकी गाय जो बचाती है सब बकरी भी है, हमारी जो बचाती है सब मोदी जी है। ये आपकी है? नहीं इनकी है। तो सस्ती गई, दे देगी 25 लीटर, अगली बार में 30-35 जाएगी। तो अगर अगर हम जितना बोले तो दूध दे देंगी, तो हम आप लोगों को खिला के आएंगे मिठाई। चल ये अगली है, क्या दाम की है? 80,000। ये जो कहता वो बोलते हैं? नहीं वो बोलेगा क्या हमारा? मैंने वो गाय बताई है, ये वाली ली है। ये रंग की हो कब तक उतर जाएगा? ये है ही ऐसी है जी, रंग क्या उतरना? हाँ, वो तो किया हुआ है, बिल्कुल ही ऐसी है, उन्होंने देख के लिया ये सारा गोल कलर, कलर ही ऐसा चमक वाला। कब तक जाएगी? अभी 15 दिन है मेरा। और जो पहले दिखाई थी वो कब तक जाएगी? और 15 दिन, 15 दिन ले लेंगे। 80,000 इसका दाम। कितना कम बच्चे वाले ले जा रहे हैं ना? दूध कितना? वो तो 30 लीटर। ये तो अब ये सस्ती, ये आपने रख ली फिर सस्ती? और उनको नहीं दी? ये दे दो ना उनको। लेकिन उनको पहले हम फरवा दिए फिर अपना कर ले। अच्छा, इनको इन्होंने जो बढ़िया बढ़िया भैया ले लिए, हाँ। पहले इनको खरवा लिए, ये संतुष्ट हो गए, उसके बाद हम लिए। आप अगर आप में से कोई बढ़िया उनको हाथ रखेंगे दे दो। भाई है भाई, ये 80,000 के लिए सच माने? 30 लीटर दूध वाले 80,000 में मिलती तो नहीं? वो तो 1,00,000 मांगते हैं। मांगते तो 2,25,000 भी है। वो तो आप पक्के आ रहे हैं इसलिए आपको दिलवादी से पक्के आए, नए आए मेरे पास तो एक एक, एक बराबर है जी। ये ऐसा तो ऑर्डर हमने बहुत कम देखा है। कौन सी ब्यांत की है? दूजी है, बोला है दूजी, लेकिन हमें लगती है तीजी। जर्सी का सुना? क्रॉस जर्सी। अच्छा, जर्सी क्रॉस। तो कितना दूध दे देगी? ये भी 25-26 दे देगी। दाम इसका क्या लगाया? इसका दाम ठीक ही लगा, 76,000। आज ज्यादा देर बाद इसीलिए तेल लगा के दिखा रहे भाई? नहीं नहीं, ली है ऐसी अंकल, ज्यादा देर बाद नहीं, गाय ही ऐसी मिली है पाठक जी को। तेल वाला वो किसको जी? अभी जो दिखाई। नहीं नहीं, कलर है ऐसा है, ये जर्सी क्रॉस में है जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाय है जी। 76,000 की ली है। ये तो बीच में नहीं रहती है? बीच में नीयत तो नहीं रहेगी? मैं गाय के लिए रखूंगा, मैं गाय नहीं रखता जी घर पे, मैं दूध मोल लेता हूँ जी। मन में कहते रहो नहीं जा रही है तो मैं तो ये बोलता हूँ अगले को जाके वफा करे, दूध दे जाके अगला, तभी दोबारा आएगा जी। दूध वाले पशु को नहीं बढ़ी लगती? ये दूध वाले पशु हैं तो तभी पंडित जी आते हैं दोबारा दोबारा। मत घूमने दिया करो आम लोगों को, आने नहीं देता ये, आते हैं अब क्या बोल सकते हैं किसी को, बोले तो क्या। कितने दिन में जाएगी ये? अभी है 15-20 दिन है। इसके थाने इसी जाएंगे, सीधे हो जाएंगे? और तरीके के हैं? अभी तो ऑर्डर बनाएगी जी, बनाएगी। 15-20 दिन बाकी। हम तो लिए थे तो एकदम बहुत कम था। कितने दिन? 2 दिन पहले लिए थे? नहीं, 4-5 दिन हो गए। 5 दिन में बदल गई? अलग अलग दिन बदलती रहती है जी। एक महीना जैसे रह जाता है आने में, तो कुछ फीड में तब्दीली करते हैं? थोड़ा एक्स्ट्रा खिलाते हैं, विटामिन वामिन देते हैं। अच्छा, कितना देता है मिनरल? मिनरल भी देते हैं, विटामिन, मल्टीविटामिन आता है ना। अच्छा, वाइटामिन तो 10 ml देते रहते हैं। कितने का होता है वो? 1 लीटर 700 का लगता है। कितना? 10 ml देना होता है? 10 ml देते हैं, एक महीने तक दे देते हैं तो ऑर्डर भी पड़ता है। एक दिन में एक बार? 10 ml, एक दिन में 10 ml, तो उससे ऑर्डर बढ़ेगा। ऑर्डर बढ़ेगा, तैयारी रहेगी, जेर बढ़िया से गिरा देगी, जेर गिरा देगी। नमस्कार, क्या नाम आपका? अमित कुमार है। अमित कुमार, कितना बढ़िया है। ये कितना ब्रदर है? मिश्रा ही के? नहीं अंकल है। अच्छा अंकल है, सर्जरी हुई? पशु हो? कितने पशु रखते हो? अबे हमारे पास कम से कम 10-12 पशु। आप काम करते हैं? नहीं नहीं, हाँ। पिताजी पिता, आप नहीं करते? नहीं, हम बाहर थे कंपनी में। कितने पैसे मिलते हैं वहाँ? तो मिलता था 35-40। हाँ जी सर, वाइफ जॉब करती है घर पे? घर पे। अच्छा, कितने ले लेते हो उसमें 35-40? कितना देते हो? तो देने को माँ को देते हो? उसको देते हो? पिताजी को देते। पिताजी को देते? ले लेती है कुछ? अब पिताजी सब चलाते हैं। नहीं, वो वाइफ ड्रा के लेती है, ऐसे ले लेती है? नहीं नहीं, ऐसे कितने लेती है? 5-10? जो मर्जी वो दे देते हैं।
कितनी उम्र होगी? मेरा 32। 32 साल। तो कितनी लेके जा रहे हो गाय? यहाँ से 11 गाय लेके जा रहे हैं। यहाँ लेके जा रहे हैं। इसका क्या दाम लगाया जी घुमाइए? इसका 65,000 लगा। 65,000 क्रॉस में है, थोड़ी क्रॉस में। कितना दूध दे देगी ये? दे देगी 24-25 लीटर तो आराम से दे देगी। 24-25 सेवा अच्छी होगी। 65,000 की लिए तो ठीक ही है। बहुत रेट, हाँ 24-25 लीटर दे देगी। रेट में मिलेगी, थोड़ी क्रॉस में है ना, नस्ल वाली नहीं होती तो यही अलग मिलनी थी। इसमें तुमने अपना दूध नहीं रखा होगा? मैं जो बोल के लेता हूँ जी, 2,000 लेने ही लेना है। अच्छा, चाहे कमीशन आप जैसे मर्जी बोलो, 2,000 सामने से लेना, 2,000 इनसे लेना है, बोल के लेने ही लेना है। जो कुछ भी नहीं करता था, आगे आओ तो आपको वहम था। अब दूध भी पीता हूँ, रोटी भी खाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। दूध 1 लीटर पी जाता हूँ। बच्चों को भी पिलाता हूँ। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।